स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आप ही के अपने YouTube चैनल ट्रांजिमिक्स न्यूज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर पेट्रोल के बारे में। जी हां, हमारे देश भारत में वर्ष 2023 से पेट्रोलियम में एक आने वाली है बहुत बड़ी क्रांति, और उस क्रांति का नाम है एथेनॉल ब्लेंडिंग, फ्यूल ब्लेंडिंग। दोस्तों हमारी सरकार ने आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिवस के दिन ये घोषणा की है कि वह आने वाले वर्ष 2023 से पेट्रोल को मिक्स करने वाले है एथेनॉल के साथ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये एथेनॉल होता है क्या, जिसे हमारी सरकार पेट्रोल में मिक्स करने वाली है, और क्या होगा अगर पेट्रोल में इस एथेनॉल को मिक्स किया जाए, क्या गाड़ियों का इंजन फेल हो जाएगा या फिर यह पेट्रोल सक्सेस होगा या नहीं। सबसे पहले तो आपको बता दे कि एथेनॉल जो होता है ये एक बाय प्रोडक्ट है शुगर केन का। जी हाँ, गन्ने से निकलता है एथेनॉल। ज्यादातर एथेनॉल को गन्ने से ही निकाला जाता है, और इसे सिर्फ गन्ने से ही नहीं बल्कि टूटे हुए चावल के धान और टूटे हुए घास फूस, और जो यूटिलाइज कर छोड़ दिया जाता है घास की परेली और मक्का यानी कॉर्न, इन सभी फूड प्रोडक्ट से ही हमारा एथेनॉल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एथेनॉल को बनाया जाता है। आसान भाषा में आपको समझाया जाए तो एथेनॉल वही है जो हमने जो सैनिटाइजर के बॉक्स पर देखा था, जिस जहां पर लिखा होता है एथेनॉल 70%। जी हाँ, इस एथेनॉल का उपयोग जो है अब तक के लिए सिर्फ सैनिटाइजर और शराब में भी यूज किया जाता था। जी हाँ, एथेनॉल का यूज शराब की बोतलों में भी किया जाता है। तो आज हमारे साइंटिस्ट इस पेट्रोल में एथेनॉल का ब्लेंडअप करके इस फॉर्मूला को उन्होंने सक्सेस कर दिखाया है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बाहर के देश यानी जो इंटरनेशनल कंट्री से वहां पर भी एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, और इसे बायोफ्यूल का नाम दिया गया है। दोस्तों ये जो बायोफ्यूल है ये एक फ्यूल मिक्सर है। जी हाँ, इसमें 80% पेट्रोल का उपयोग किया जाता है और 20% एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर हमारी कंट्री क्रूड ऑयल बाहर के देशों से खरीदती है, जहां पर हमारा बहुत ही ज्यादा मोटा इकोनॉमिकल रेवेन्यू जो है बाहर के देशों में चले जाता है। यहां पर आप सोच सकते हैं कि हम $63 बिलियन देते हैं सिर्फ हमारे एक साल का क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, जो कई अरबों खरबों में होता है। अब सोच लीजिए, इस अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट में अगर 20% एथेनॉल को मिलाया जाए तो कितना अमाउंट हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बच जाता है, और इस बचे हुए अमाउंट को इंडियन इकोनॉमी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। एथेनॉल जो है अभी के लिए हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 8% जनरेट किया जा रहा है, लेकिन आने वाले वर्ष 2023 से जैसे ही गवर्नमेंट एथेनॉल को मैंडेटरी कर देगी फ्यूल मिक्सअप में, तो इसका प्रयोग इतना ज्यादा होगा कि हमारे देश के जितने भी किसान हैं, सबसे ज्यादा मुनाफा उन किसान भाइयों का होगा जो इस वक्त गन्ने की खेती में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस एथेनॉल को बनाने के लिए 70-80% गन्ने का उपयोग किया जाता है, और जैसे ही इस गन्ने का उपयोग बढ़ेगा, हमारे गन्ने के किसान या फिर हमारे भारत के जो भी किसान भाई है वह गन्ने की खेती में लग जाएंगे, और हमारी देश एथेनॉल जो है इन किसानों से खरीदेगी, जिससे हमारे किसान बहुत ही ज्यादा डेवलप हो पाएंगे। एथेनॉल को कैसे निकाला जाता है? एथेनॉल को सबसे पहले ये जो जूस होता है गन्ने का, ये पूरा जूस निचोड़ लिया जाता है, और इस जूस में मिलाया जाता है ईस्ट, यानी हिंदी में इसे किड़वन टेक्निक कहते हैं, ईस्ट फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन के जरिए से ही उस गन्ने के जूस को इतना सड़ा दिया जाता है कि उसमें से अलग तरीके के जो गैसेस रिलीज होते हैं, और उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद इसे इसमें से निकाला जाता है एथेनॉल। इसे ब्लेंड अप किया जाता है ह्यूज मशीनरी में, हीट के जरिए से इसे वेपराइज करके जनरेट किया जाता है एथेनॉल। ये जनरेट करने का प्रोसेस बहुत ही समय लेता है, लेकिन इसमें से निकलता है 99.9% प्योर एथेनॉल, जिसे हम पेट्रोल में मिक्सअप करके इसको गाड़ियों में डालकर प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और आपको ये बात भी बता दें कि इस मिक्सड फ्यूल से जो है, जो गाड़ियों का जो ईंधन जलता है इसमें से जो धुआं निकलता है, इस मिक्सड फ्यूल के उपयोग से वह धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ही कम मात्रा में निकलती है, जिससे हमारा
जो ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है उसे भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से हार्मफुल गैसेस नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारी धरती का जो सुरक्षा कवच है ओजोन लेयर, इस पर भी उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आपको बता दें कि दुनिया के कई सारे देश है जो ऑलरेडी एथेनॉल ब्लेंडअप वाले पेट्रोल को यूज कर रहे हैं, जिसमें नंबर वन पोजीशन पे आता है ब्राजील। ब्राजील जो है पिछले 7-8 सालों से इस फ्यूल पर प्रयोग कर रहा है और अपनी गाड़ियों को उसने इम्प्लीमेंट भी करा लिया है। तो हमारी सरकार ने इस एथेनॉल ब्लेंडअप पर कई दिनों से अपनी नजर जमाई हुई है और आने वाले वित्तीय वर्ष 2023 से एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को यह मैंडेटरी करने वाली है। आपको बता दें कि आने वाले वित्तीय वर्ष से जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से फोर व्हीलर टू व्हीलर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इन सभी को क्लियर गाइडलाइंस दे दिया जाएगा कि वह अपने गाड़ियों के इंजन को फ्लेक्सी इंजन बनाए, क्योंकि अब आगे आगे आने वाला है फ्लेक्सी फ्यूल। इस फ्लेक्सी फ्यूल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सी इंजन के द्वारा ही किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए और हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर इथेनॉल का इतनी बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाएगा तो एथेनॉल को ब्लेंड अप करने के लिए, फर्मेंटेशन और फर्टिलाइजेशन करने के लिए बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हेड्स का स्टार्टअप भी करना पड़ेगा, जहां पर कई सारे लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। जी हां, इस एथेनॉल के प्रोसेस से हमारे देश के सरकार ने यह देखा है कि इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग करने में इसका उपयोग किया जाएगा और हमारे जो खेती बाड़ी के किसान है उन पर इसका बहुत ही बढ़िया असर पड़ेगा और साथ ही साथ हमारी जो युवा है जो आज बेरोजगारी से पीड़ित है उन्हें भी अच्छा खासा रोजगार मिलेगा। तो ये थी वो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट जिसे हमारी सरकार ने आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिवस के दिन इसकी नींव रखी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये आसान भाषा में समझ में आया होगा कि फ्लेक्सी फ्यूल क्या होता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और आने वाली पेट्रोलियम की टेक्नोलॉजी क्या होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही बढ़िया वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।